पिक्चर इंसर्ट करना सीखा था कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप इंसर्ट टैब पर आएंगे। इंसर्ट टैब पर आने के बाद पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से दिस पीसी पर जाएंगे और कंप्यूटर में आपने जहाँ भी पिक्चर्स को सेव किया हुआ है वहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये पिक्चर हमारी ओपन हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये समझा था कि जब आप इमेज पर या पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पिक्चर का फॉर्मेट टैब आता है, लेकिन जैसे ही आप अपने पेज पर क्लिक करेंगे वो फॉर्मेट टैब ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो गया। जैसे ही पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो अगेन आपको ये फॉर्मेट टैब नजर आएगा। अब फॉर्मेट टैब पर अगर हम क्लिक करें तो ये तमाम टूल्स पिक्चर फॉर्मेटिंग के हैं, इनको तमाम को वन बाय वन अभी समझ रहे हैं। अच्छा, देखिए, जब आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो आपको इस पिक्चर के चारों तरफ व्हाइट कलर के पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं? नोड्स, नोड्स नहीं, नोड्स, NODES, ठीक है, नोड्स। तो पॉइंट्स कहते हैं या नोड्स कहते हैं। अब ये जो पॉइंट्स आपको या नोड्स जो आपको व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं, जब आप अपने माउस के कर्सल को इन पॉइंट्स पर लेकर जाएंगे किसी भी पॉइंट पर, तो आपका माउस का कर्सर देखें इस वक्त ये है, ऐसा है ना। जब आप पॉइंट पर लेकर जाएंगे तो ये आपके पास डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका माउस का कर्सर पॉइंट के या नोट्स के बिल्कुल ऊपर है। किसी भी नोट्स पर जब आप माउस का कर्सर लेकर जाएंगे तो ये डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद किसी भी पॉइंट पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और डाउन ड्रैग करेंगे तो पिक्चर का जो साइज है वो डिक्रीज होगा, और अप की तरफ अगर करेंगे या राइट की तरफ करेंगे तो पिक्चर का जो साइज है वो इंक्रीज होगा। अगर आप फोर कॉर्नर्स जो आपको टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम के लेफ्ट राइट के जो कॉर्नर पॉइंट नजर आ रहे हैं, अगर यहाँ से आप पिक्चर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो चारों साइड्स इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं। और अगर आप मिड पॉइंट्स टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के मिड पॉइंट से अगर पिक्चर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो यहाँ से विड्थ वाइज और यहाँ से सॉरी यहाँ से हाइट वाइज और यहाँ से आपके पास विड्थ वाइज पिक्चर इंक्रीज और डिक्रीज होगी। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, अब देखें, पिक्चर पे आपने क्लिक किया, फॉर्मेट टैब पर आए और फॉर्मेट टैब में सबसे पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने रिमूव बैकग्राउंड करना है, यानी कि इमेज जो आपको नजर आ रही है इस इमेज का अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट टैब पर जाएंगे और यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे और ये पिक्चर का जो बैकग्राउंड है ना, ये कुछ पिंक कलर से हाईलाइट हो जाएगा। जो पिंक कलर से हाईलाइट हुआ हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा इसमें से। अगर मैं यहाँ पर कीप चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो जो पिंक एरिया है वो आपकी इमेज में से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही आपने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो हमें ये भी सिलेक्ट करना है, ऐसे ही है ना। ये जो ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड आ रहा है ये भी हमें रिमूव करना है। और अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखें यहाँ पर ये लेग्स में इसका पिंक कलर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी रिमूव हो जाएगा, ये हमें रिमूव नहीं करना है। तो अब इसके पॉइंट समझिएगा, यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस आ रहा है। प्लस पे लिखा हुआ है मार्क एरिया टू कीप, यानी कि अगर आप प्लस का साइन यूज करते हुए पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो वो एरिया डिलीट, एंड मार्क एरिया टू रिमूव, माइनस वाले साइन को अगर सिलेक्ट करेंगे तो वो एरिया आपका रिमूव हो जाएगा। अब मुझे इस एरिया को भी रिमूव करना है तो मैं यहाँ से माइनस वाले साइन को सिलेक्ट करूंगा। किसको सिलेक्ट करूंगा? माइनस साइन को सिलेक्ट किया हमने, इसके बाद ये पेंसिल आ जाएगी। अब आप इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब ये जो व्हाइट कलर का जो एरिया, ये जो इसके लेग्स आ रही हैं, ठीक है, ये हमें रिमूव नहीं करनी है, तो ये हम क्या लेंगे, प्लस प्लस टूल लिया। इसके बाद यहां पर आइए, ठीक हो गया। इसके बाद आप क्लिक कर दें कीप चेंजेस,
तो ये देखें ये आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। लेकिन दोबारा से मैं ये कहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इतने डिटेल के अंदर हम पिक्चर के बैकग्राउंड्स वगैरह डिलीट नहीं करते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर है, डॉक्यूमेंटेशन का सॉफ्टवेयर है, सिंपल टाइपिंग का। आपने कोई भी अपना टेक्स्ट टाइप करना है, डॉक्यूमेंट्स टाइप करना है, वो आप इस पर आसानी से कर सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ ड्राइंग टूल्स दिए हुए हैं, अगर काम करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम कहीं ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर हमें कोई ये नहीं कहेगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके दे दें मुझे, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डॉक्यूमेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। लेकिन कुछ टूल्स ड्राइंग के दिए हुए हैं तो आप उसको यूज करते हुए कर सकते हैं। करेक्शन बता रहा था तो यहाँ से इंटरनेट प्रॉब्लम करके कर रहा था हमारा। तो यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंट करेक्शन कलर है, यहाँ से अगर आपने जो भी करेक्शन करनी है वो आप यहाँ से कर लें, कलर को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद कलर्स पे आइए तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट शेडिंग है, जो शेडिंग कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, और यहाँ से जो कलर आप सिलेक्ट करेंगे इसके बाद आर्टिस्ट इफेक्ट में उसी से रिलेटेड इफेक्ट आएंगे आपके पास, ठीक है। अगर हम यहाँ से कलर चेंज करें तो ये देख लें, इसकी जगह अगर हमें कोई दूसरी पिक्चर चाहिए तो यहाँ पर आएंगे फ्रॉम अ फाइल, और जो पिक्चर आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करें, वो पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद पिक्चर को रीसेट करना है, जैसे कंट्रोल जेड करके बैक आ जाते हैं। अब ये पिक्चर है, इसमें आपने कुछ चेंजिंग की है, इसको डिफॉल्ट करना है। डिफॉल्ट करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर दें, या डायरेक्ट इस बटन पे क्लिक कर दें, आपकी पिक्चर जो है वो रीसेट हो जाएगी। इसके बाद ये आपके पास पिक्चर स्टाइल है या पिक्चर फ्रेम भी कह सकते हैं, यहाँ से आपको जो फ्रेम चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लें। पिक्चर बॉर्डर, ये जो ब्लैक कलर की बॉर्डर लाइन आई है, इसका कलर अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर पे जाएंगे, विड्थ पर, यहाँ से विड्थ कम ज्यादा कर सकते हैं। अगेन पिक्चर बॉर्डर पे जब आप जाएंगे तो यहाँ आपके पास डिशेस, इसका स्टाइल, लाइन स्टाइल बॉर्डर का चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नहीं, अपनी मर्जी का नहीं ला सकते, जो है वही आएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मोल लाइंस पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे, अभी बता रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ आपके पास पिक्चर इफेक्ट है, बहुत सारे इफेक्ट मौजूद हैं, सबको अप्लाई करके देख लीजिएगा। शेडो, ठीक है, ये सारे शेडो स्टाइल हैं, ग्लो स्टाइल, ये तमाम चीज़ें यहाँ से अप्लाई करके देख लीजिएगा, ये सारे आपके पिक्चर के इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे पिक्चर लेआउट का ऑप्शन है, पिक्चर के साथ साथ आपको पिक्चर का टाइटल भी लिखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चाहिए तो यहाँ पर आएँ और यहाँ से आपको जो स्टाइल चाहिए उस पर आप क्लिक कर दें, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इस तरीके से चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने ये आ गया आपके पास, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से अगेन जाते हैं फॉर्मेट टैब पर, तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ऑड का ऑप्शन, ऑड पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन के लिए आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है, जो भी आपके पास पिक्चर होगी उस पिक्चर से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्या कहते हैं उसे डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बल्कि इसको डिलीट करता हूँ मैं, क्योंकि फॉर्मेटिंग चेंज करी है हमने, इंसर्ट। इसको नहीं, वैसे भी आ जाएगा, वो फॉर्मेटिंग कुछ आउट हुई हुई अभी मेरे इसकी, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास जनरेट अ डिस्क्रिप्शन फॉर मी का ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन कहाँ से आएगा, ऑल टेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, यहाँ से जनरेट अ डिस्क्रिप्शन फॉर मी पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इसका एक लाइन दे देगा, यहाँ से कॉपी करें कंट्रोल सी और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर पोजीशन है, टॉप, मिड, सेंटर, टॉप का लेफ्ट, टॉप का सेंटर, टॉप का राइट, मिड का लेफ्ट, मिड का सेंटर, मिड का राइट, बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का मिड और बॉटम का राइट।
अच्छा अब देखें, जब आप पिक्चर को यहाँ से इंसर्ट करते हैं तो ये पिक्चर मूव नहीं हो रही आराम से। ये देखो, इसको अगर मूव करना चाह रहे हैं तो ये पिक्चर मूव नहीं हो रही है। तो मूव करने के लिए फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पर वॉर्प टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। अभी फिलहाल मैं स्क्वायर पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करेंगे तो इसको आप आसानी से मूव कर सकेंगे फिर। ठीक है, अच्छा यहाँ कुछ पैराग्राफ ले आते हैं। अब देखें, वॉर्प टेक्स में अगर हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं स्क्वायर, तो अब क्या होगा कि ये जो टेक्स है वो स्क्वायर शेप में इसके सराउंडिंग में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जाते हैं टाइट, तो इसमें ये होगा कि अब देखो स्क्वायर में और टाइट में क्या फर्क है कि टेक्स जब हम टाइट पे लेके जा रहे हैं तो राइट साइड से टेक्स थोड़ा सा और करीब आ गया, तो थोड़ी बहुत स्पेस होगी वो इसको कवर कर देगा। थ्रो भी तकरीबन यही काम कर रहा होता है, टॉप एंड बॉटम होगा तो क्या होगा, लेफ्ट और राइट पे टेक्स्ट नहीं आएगा, टॉप और बॉटम पर आएगा। ठीक है, आपको जो स्टाइल चाहिए ले सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के बैक पे चाहिए ये पिक्चर, टेक्स्ट ऊपर आ गया। अगर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर ऊपर आ गई और इसके बैक पर गया, आपके पास टेक्स्ट मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखें, यहाँ से हम इसे क्लिक कर रहे हैं टाइट के ऊपर और राइट क्लिक करते हैं, बल्कि इसके फॉर्मेट टैब में आ जाओ। तो फॉर्मेट टैब में वॉर्प टेक्स्ट में आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है एडिट वॉर्प पॉइंट्स का। कौन सा ऑप्शन होता है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये देखें एडिट वॉर्प पॉइंट आपकी पिक्चर के साउंडिंग में आसपास आ गए। अब आप इन ब्लैक पॉइंट को यूज करते हुए टेक्स्ट को मजीद इसके इमेज के करीब वगैरह कर सकते हैं, सेटिंग जो भी करनी है। एडिट वॉर्प पॉइंट, ठीक है आ रहा है टेक्स्ट इस तरीके से, मजीद इसमें करीब से करीब तक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इन पॉइंट्स को यूज करते हुए कर सकते हो। इसको रिमूव कर देते हैं और यहां पर हम दोबारा से एक पिक्चर ले लेते हैं और इसे मैं यहां से कर देता हूँ स्क्वायर। दो पिक्चर्स और इंसर्ट कर लेते हैं डिस डिवाइस, एक ये ले लेते हैं एक ये ले लेते हैं, इसको भी स्क्वायर कर दो ताकि आसानी मूव आसानी से हो जाएगा। अच्छा अब इसको हम इस तरीके से यहाँ पे रख देते हैं। अब सबसे टॉप पे इमेज कौन सी है आपकी, जेब्रा वाली सबसे टॉप पे ये है ना, उसके बाद ये है और उसके बाद ये है। अब यहाँ पर इसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है या इसको सिलेक्ट करेंगे पहले। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रिंग फॉरवर्ड, इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो इमेज है वन बाय वन ऊपर आएगी। क्या क्या करेंगे, ये इमेज अगर आपको टॉप पर लानी है
तो आपने ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक किया, एक स्टेप अपना ब्रिंग फॉरवर्ड ऊपर की तरफ हो गई, अगेन ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक किया। अब यही इमेज अगर हमें बैक पे लेके जानी है तो यहाँ पे सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन है, क्लिक क्लिक, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इस इमेज को डायरेक्ट बैक पे लेके जाना है, बिल्कुल ये वाली पिक्चर के बैक पे, क्योंकि टॉप पे ही है ना, तो यहाँ पर आए, यहाँ डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, और अगर टैक्स के बैक पे लेके जाना है, बिहाइंड टैक्स, तो अभी हम सेंड टू बैक कर रहे हैं इसको, और एकदम से इसको तमाम पिक्चर्स, क्योंकि यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो वन बाय वन पिक्चर ऊपर आ रही है, आपको एकदम से ऊपर लाना है, यहाँ पर आइए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ब्रिंग टू फ्रंट, क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन पेन का एक ऑप्शन होता है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, और ये ऑप्शन किस लिए काम का होता है वो मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पर हम कुछ स्मॉल स्मॉल शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं, जब कोई एडमिशन फॉर्म वगैरह बना रहे होते हैं तो वहां पर जो है, फिर देखें यहां पर हर शेप की क्या लिखी हुई आ रही है, डिस्क्रिप्शन उसका नेम लिखा हुआ आ रहा है, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मुझे एक से ज्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करना है, तो मैंने किसी एक पिक्चर को पहले सिलेक्ट किया, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे, और उसके बाद फिर सेकंड, थर्ड, जो जो इमेज आपको सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। लेकिन बाज मतलब ऐसा होता है कि हमें, हमने बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हुए होते हैं, तो यहाँ पे जब हम एक चीज को सिलेक्ट कर रहे होते हैं उसी के साथ दूसरा होता है, तो वो अनसेलेक्ट, उसको सिलेक्ट करने में पहले वाला अनसेलेक्ट हो जाता है, तो फिर आप यहाँ से सिलेक्शन पेन का ऑप्शन यूज करते हुए उनको यूज कर सकते हो, कंट्रोल के साथ यहाँ प्रेस करते जाओ, वहां पे देखो सिलेक्शन आती जा रही है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन होता है आपके पास। इसके बाद पिक्चर को अगर आपने रोटेट करना है, क्या करना है, तो ये ऊपर रोटेट पॉइंट आ रहा है, माउस के कर्सर को यहाँ लेकर आएंगे, लेफ्ट बटन से आप इस पिक्चर को रोटेट कर सकते हो, और यहां से भी कर सकते हैं, रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, रोटेट राइट 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जैसे भी मूव करना है, रोटेट करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी रोटेट पॉइंट से पकड़ के इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इमेज ये है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी ले लेते हैं। अब ये कितनी इमेजेस हो गई आपके पास, दो हो गई। अब हम चाह रहे हैं कि जब हम मूव करें तो ये सब एक साथ मूव हो, यानी कि एक इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो इसको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के लिए इन दोनों इमेजेस को आप सिलेक्ट करेंगे, दो है, तीन है, चार है, पांच है, उन तमाम को सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल की को प्रेस करा और फिर इसको सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे ये ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, ये रहा, ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ये हो गया आपके पास, ये एक इमेज हो गई, ठीक है। और अगर इसमें से किसी एक इमेज पर आपने जाना है, इधर क्लिक किया, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज सिलेक्ट हो गई, ये इमेज सिलेक्ट हो गई। अनग्रुप करना है, दोबारा ग्रुप पे जाएं, और यहां से ये सारे ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहे होते हैं, ग्रुप, अनग्रुप करना है, यहां से अनग्रुप करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है क्रॉप, ये क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप क्या है कि अब जैसे कि मुझे इस इमेज का बस ये वाला पार्ट चाहिए, बाकी का पार्ट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो क्रॉप के पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। अब आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें टॉप बॉटम, कहाँ तक आपको इमेज चाहिए, क्रॉप पॉइंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा, पिक्चर होगी, वो रहेगी, और इसके बाहर वाली जो है वो सारी रिमूव हो जाएगी। दोबारा से लाना है, क्रॉप पे जाएं, और नहीं बहुत कम, ठीक है। इसके बाद पिक्चर का साइज आप लोग यहां से भी कम ज्यादा कर सकते हो, और यहाँ पे भी उसकी विड्थ और हाइट इंटर कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपने इसकी विड्थ
इंटर करनी है वो यहाँ पे इंटर कर दें, उस हिसाब से ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो आ गया आपके पास फॉर्मेट टैब। अब आ जाए राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर का ऑप्शन आएगा, और ये सारे यही ऑप्शन आपके पास, जब आप किसी भी ऑप्शन पे जाएंगे तो लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर चले जाएं। यहाँ पर आ जाएं तो यही वाली विंडो ओपन होगी, ठीक है। तो आप या तो यहाँ से ओपन कर लें, या इस पिक्चर पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट पिक्चर्स का एक ऑप्शन आएगा, ये रहा। इस फॉर्मेट पिक्चर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट साइड पे एक पिक्चर फॉर्मेटिंग का बार ओपन हो जाएगा, टैब ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपके पास सबसे पहले दो चीजें आ रही हैं, फिल और लाइन। फिल जो है वो पिक्चर के ऊपर काम नहीं करता है, क्योंकि लाजमी सी बात है फिल कलर जो है वो इसमें पिक्चर का अपना हुआ हुआ है, तो ये आपका फिल कलर काम इस पर नहीं करेगा। लाइन पे आ जाए। अब लाइन इसके जो बॉर्डर्स हैं वो आपने अगर देना है तो यहाँ से बॉर्डर लाइन दे सकते हैं आप, ठीक है। विड्थ वगैरह बढ़ानी है आपने, यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन पड़े ना अभी आपने यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे आप कितनी विड्थ बढ़ा सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 6 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। आपको 12 बढ़ानी है, यहाँ पे डायरेक्ट 12 लिख दें, ये 12 बढ़ गई आपकी, ठीक है। स्टाइल वगैरह यहाँ से चेंज कर लो। क्या विद ज्यादा कितनी होगी बढ़ा के देख लेना, जितनी भी चाहिए, ठीक है, इतनी विद नहीं चाहिए होती हमें। इसके बाद यहाँ पे कंपाउंड टाइप, इसका स्टाइल वगैरह आपको चेंज करना है लाइन का। इसमें कुछ ऑप्शंस आपको ज्यादा मिल जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। ये इसके ये जो कॉर्नर है, या बेवल रखना चाह रहे हैं, मैटर रखना चाह रहे हैं, स्ट्रेट या राउंड रखना चाह रहे हैं, तो ये सारी वो सेटिंग आ गई आपके पास, ठीक है। इसके बाद इसी में आपके पास ग्रेडियंट लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ ग्रेडियंट सॉलिड लाइन कलर और ग्रेडियंट लाइन कलर में क्या फर्क होता है, सॉलिड लाइन कलर जो है वो वन कलर को कहते हैं, और ग्रेडियंट लाइन कलर जो होता है वो एक से ज्यादा कलर के इफेक्ट आ रहे हों। तो अब यहाँ पर ये यह देखें, आपके पास एक से ज्यादा कलर के इफेक्ट है, यानी कि ऑरेंज ही कलर है, ऑरेंज का डार्क, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, या उससे डार्क, वो कुछ बहुत सारे इफेक्ट आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका जो ये इफेक्ट है, इसका स्टाइल क्या चाहिए आपको, रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए, पाथ लाइनर, रेडियल, जैसे चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास ग्रेडियंट स्टॉप आ रहे हैं, यहाँ से अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी कितने ग्रेडियंट स्टॉप है हमारे पास, 3, 1, 2, 3। इस वक्त कौन सा ग्रेडियंट स्टॉप सिलेक्ट हुआ है, ये वाला है, इसके ऊपर सिलेक्शन आई हुई ऑरेंज कलर की। अब इसका कलर चेंज करना है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आए और यहाँ से हमने ये कलर चेंज कर दिया, ये आ गया रेड कलर। इस ग्रेडियंट पॉइंट्स पर आए या स्टॉप पर आए, यहाँ से हमने कलर चेंज कर दिया, इस पॉइंट को हमने सिलेक्ट किया, इनकी लोकेशन आगे पीछे करनी है, जैसे इस ग्रेडियंट की पर्पल कलर ज्यादा चाहिए कम चाहिए वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर इफेक्ट चेंज करें तो ये देखें कुछ इफेक्ट इस तरीके से आ रहे हैं आपके पास, और ये लोकेशन पोजीशन ऐसे भी चेंज कर सकते हो और ऐसे भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, इसमें अगर हमें मजीद कलर ऐड करने हैं तो उसके लिए ग्रेडियंट स्टॉप चाहिए होगा। ग्रेडियंट स्टॉप के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे ग्रेडियंट चाहिए बस वहां पे माउस के लेफ्ट बटन से वन टाइम क्लिक कर देंगे तो ये ग्रेडियंट स्टॉप आ गया। इसके बाद इसका कलर चेंज कर दें, यहाँ पर चाहिए, ठीक है, यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर आए और ये हो गया आपके पास। किसी भी ग्रेडियंट पॉइंट को अगर आपने डिलीट करना है, उस ग्रेडियंट पॉइंट को सिलेक्ट करें और इसको डाउन मूव कर दें, लेफ्ट बटन से पकड़ के डाउन उसको मूव कर दें तो वो आपके रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपेरेंस कितना रखना है, ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी है आपने, यहाँ पर आ जाए तो ये सारे आपके ने जो यहाँ सेटिंग्स पड़ी थी ना, ये वही सेटिंग है, बस यहाँ पर आप अपनी मर्जी से विड्थ वगैरह उसकी बढ़ा सकते हैं। तो ये जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इन तमाम की अच्छे से जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ तक ऑप्शन पता होते हैं, लेकिन जब आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट पिक्चर पे जाएंगे तो
फॉर्मेट पिक्चर के ही मजीद ऑप्शन यहाँ पर नए ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये पिक्चर का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक बताएं कोई प्रॉब्लम है तो, अब्दुल्ला आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा, अली आपका कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अली आपको? ना सर कोई प्रॉब्लम नहीं।